तो हे गाइस, मेरा नाम है सीताराम। आज की वीडियो में बात करने वाले गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के अवसर के बारे में। मेरा प्रीवियस वीडियो सीटी भुवनेश्वर के बारे में था। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हो तो आप उस वीडियो को जाके देख सकते हो। उस वीडियो में मुझे लगा नहीं था कि उतना अच्छा रेस्पॉन्स मिलेगा, लेकिन लड़कों ने बहुत अच्छा रेस्पॉन्स दिया है और मैंने हर कॉमेंट का रिप्लाई करने की कोशिश किया है। तो देरी ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करें इस कॉलेज कब एस्टेब्लिश हुआ था, तो ये कॉलेज 1995 में एस्टेब्लिश हुआ था और इसका कैंपस साइज 45 एकर्स का है। तो भाई 45 एकर्स में है क्या, मुझे आज तक पता नहीं चला। मेरा थर्ड ईयर हो गया है। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें इसका एडमिशन प्रोसेस के ऊपर, तो इसका एडमिशन जेईई मेन के बेसिस पे होता है। तो अगर आप जनरल में हैं तो अराउंड 2-3-4 लाख के अंदर आपको कोई भी ब्रांच में आपको एडमिशन मिल जाता है। अगर आप SC ST से बिलोंग करते हो तो आपको 10-11-12 लाख जितना भी रैंक हो आपको मिल ही जाएगा। तो अगर हम बात करें CSA कट ऑफ, तो यहाँ पे CSA कट ऑफ 6.5 लाख से स्टार्ट होता है। भाई समझ लो 6.5 लाख कितना पीछे होता है, फिर भी ये कॉलेज में आपको CS ब्रांच मिल रहा है। तो अगर हम बात करें इलेक्ट्रिकल का, तो इलेक्ट्रिकल के यहाँ पे 3.4 लाख से शुरुआत होता है जनरल के लिए। ST SC वालों के लिए तो पता नहीं 9-10 लाख तक का भी इनका कट ऑफ रहता है। तो ये कट ऑफ 2019 का है, 2020 का मुझे कट ऑफ मिला नहीं है। और कट ऑफ यार आसपास ही रहता है, हर साल इतना ज्यादा चेंज होता नहीं है। प्रीवियस वीडियो में कुछ बच्चे मुझे पूछ रहे थे कि भैया TFW का मतलब क्या होता है। TFW मतलब ट्यूशन फी ओवरसीम होता है। मतलब इसका मतलब ये होता है कि अगर आपका रैंक अच्छा है, मतलब 1 लाख 2 लाख 3 लाख के अंदर है, तो आपको बहुत ज्यादा ही कम फीस देना पड़ता है। मतलब अगर एक नॉर्मल बच्चा 30-40 हज़ार का फीस दे रहा है, तो आपको वहाँ पे 20-25 हज़ार का फीस देना पड़ता है। वहाँ पे कुछ कोटा नहीं देखा जाता, बस वहाँ पे आपका रैंक देखा जाता है। मतलब अगर आपका रैंक अच्छा है तो आपको TFW से मिलता है। तो अगर आपका रैंक अच्छा है तो आप जरूरी काउंसलिंग के टाइम, ये है कि काउंसलिंग के टाइम आपको उस TFW में भरना ही है, वरना आपको नहीं मिलता है। तो अगर हम बात करें मैकेनिकल का, तो मैकेनिकल का यहाँ पे 7.9 लाख से स्टार्ट होता है। मतलब समझ लो CT का कहाँ पे 70-60 थाउजेंड का कट ऑफ रहता था, इस कॉलेज में आपको 6 लाख का कट ऑफ मिल रहा है। तो वो भी जनरल वालों के लिए, तो भाई समझ लो। तो अगर आप नेक्स्ट बात करें माइनिंग का, तो बेसिकली कॉलेज माइनिंग वालों के लिए जाना जाए, ये कॉलेज को आप प्रीफरेंस दे सकते हो। तो फिर हम नेक्स्ट बात करें मिनरल और मेटलर्जी का, तो फर्स्ट ईयर में क्या होता है, मिनरल मेटलर्जिकल और माइनिंग तीनों एक साथ बैठते हैं, क्योंकि फर्स्ट ईयर में तीनों का पढ़ाई सेम ही होता है। क्योंकि अगर आपको एक ब्रांच पसंद आ नहीं रहा है तो आप सेकेंड ईयर में उसको चेंज कर सकते हो। उसका क्राइटेरिया क्या होता है, अगर आपका CGPA 7.5 के ऊपर है और उस ब्रांच में सीट अवेलेबल है, तो आपका ब्रांच चेंज हो सकता है। तो अब माइनिंग का कट ऑफ देखा जाए, तो माइनिंग का ही कट ऑफ सबसे कम जाता है, जो कि 2.8 लाख जनरल वालों के लिए है। और TFW यहाँ पे 1.1 लाख से शुरुआत होता है। तो फिर अगर हम नेक्स्ट बात करें इसका हॉस्टल का या तो मेस का, तो यहाँ पे हॉस्टल का चार्ज 35 to 40K के अराउंड होता है। और हॉस्टल का अगर बात करें, बॉयज के लिए 2 हॉस्टल है, लड़कियों के लिए 2 हॉस्टल्स है। लड़कों का मतलब कैंपस के अंदर ही हॉस्टल अवेलेबल है, लेकिन लड़कियों का मतलब गर्ल्स का सेकेंड ईयर से ज्यादा, मतलब सेकेंड ईयर थर्ड ईयर फोर्थ ईयर का ही कैंपस के अंदर है और फर्स्ट ईयर वालों का कैंपस के बाहर है। अगर हम बात करें फूड का यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको 5 डे का नॉनवेज मिलता है, बस मंडे और सैटरडे आई थिंक आपको वेज मिलता है। तो फूड का क्वालिटी अगर मैं बोलूं, नहीं अच्छा भाई, आपको यहाँ पे मिलता है एवरेज भी नहीं कहूंगा, एबव एवरेज समझ लो भाई। एबव एवरेज मतलब नहीं अच्छा, उतना क्वालिटी अच्छा नहीं कि क्वांटिटी अच्छा नहीं है भाई। तो हॉस्टल में क्या है, अगर आप सीनियर हॉस्टल में रहते हो, यहाँ पे आपको पानी का प्रॉब्लम भी होता है, इलेक्ट्रिसिटी भी चला जाता है। यहाँ पे आपको कुछ भी अलाउड नहीं है, मतलब जैसे कि आप इंडक्शन अलाउड नहीं है, कुछ भी फैन वैन अलाउड नहीं है, कुछ भी भाई, मतलब 1500 वाट के नीचे जितना भी है उतना ही आप यूज कर सकते हो। लेकिन आप दूसरे कॉलेजेस के मतलब हॉस्टल देखोगे, जैसे IGIT हो गया, CT हो गया, वहाँ पे आप कूलर भी रख सकते हो, इंडक्शन भी यूज कर सकते हो, कोई कुछ बोलने वाला नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पे आपको कोई किसी ने कूलर के साथ देख लिया या तो इंडक्शन के साथ देख लिया, तो भाई वहाँ पे आपको फाइन 5-10 हज़ार का फाइन भी लग जाता है। तो देन अगर हम नेक्स्ट बात करें कॉलेज लाइफ, स्पोर्ट्स, नियर बाय हैंगआउट्स, भाई इस कॉलेज के बारे में मुझे लिखने का उतना चांस मिला नहीं है, क्योंकि इस कॉलेज में कुछ है ही नहीं। तो इसलिए मैं बस एक ही स्लाइड में तीनों ही चीज लिख दे रहा हूँ, बस एक्सप्लेन करूंगा कि इस कॉलेज में है क्या। अगर हम बात करें कॉलेज लाइफ का, तो भाई कॉलेज लाइफ कुछ नहीं यहाँ पे, बस अगर आप आते हो तो बस दोस्त ही आपका कॉलेज लाइफ है और कुछ नहीं यहाँ पे। घूमने जाओगे तो घूमने के लिए आपको ऑटो में जाना पड़ेगा, जो कि अराउंड 200-300 रुपये ऑटो चार्ज लग जाता है।
अगर ये इस कॉलेज में आप आते हो, इस कॉलेज में आप मतलब आके एक ना बंद जाते हो, मतलब जाने के लिए 6-7 किलोमीटर का डिस्टेंस है और चारों तरफ बस जंगल ही जंगल है और कुछ नहीं है इसके अंदर। तो कॉलेज लाइफ का मतलब दोस्ती है, बैठने के लिए कुछ नहीं है। यहाँ पे कैफेटेरिया, उनका वेबसाइट में मुझे मिला कि उनके कॉलेज में कैफेटेरिया है, लेकिन वह कुछ नहीं है। फर्स्ट ईयर में मैं आया था जब इनके कॉलेज में कैफेटेरिया था, वहां पे बस समोसा ही मिलता था और कुछ नहीं, कैफेटेरिया के नाम में कुछ नहीं है इसमें। और ये लोग बोलते हैं कि स्पोर्ट्स फैसिलिटी बहुत अच्छा है यहाँ पे, भाई कुछ नहीं है। मैं लास्ट स्लाइड में आपको फोटोज भी दिखाऊंगा। ये लोग बोलते हैं जो एंट्रेंस कॉलेज का जो रहता है उसको ये लोग क्रिकेट ग्राउंड बना दिया है भाई, वहां पे टाइल्स लगा हुआ है, मतलब क्रिकेट फील्ड नहीं है और फुटबॉल फील्ड तो है ही नहीं भाई। ये लोग फुटबॉल फील्ड को मतलब एक दो क्लास के बच्चे लोग जैसे खेलते हैं वैसे ही खेलना पड़ता है यहाँ पे। और नियर बाय हैंगआउट्स का तो मैं बोल ही चुका हूँ, नियर बाय हैंगआउट्स मतलब बिग बाजार ही एक ठो है बस, और कुछ नहीं यहाँ पे भाई। बिग बाजार जाने के लिए भी आपको 200 का भाड़ा देना पड़ेगा। तो फिर नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ का प्लेसमेंट का, तो यहाँ पे कंपनीज आती हैं जो मैक्सिमम वो माइनिंग कंपनीज ही आती हैं। कोरोना के चक्कर में भाई प्लेसमेंट किसी भी कॉलेज का हुआ नहीं है, हमारे कॉलेज के किसी भी कॉलेज का उतना अच्छा हुआ नहीं है, बस आईटी कंपनी से आई है। और इस कॉलेज का अगर मैं सीएस ब्रांच का बात करूँ, तो सीएस ब्रांच बहुत ही न्यू ब्रांच है, पिछले दो दो साल से इनका प्लेसमेंट आ रहा है। तो इस साल का प्लेसमेंट अराउंड 3 लड़के लोग विप्रो में हुए हैं, 2 इन्फोसिस में हुए और 3 TCS में हुए हैं, मतलब वही 6-7 अराउंड 10 के अंदर मान लीजिए 10 लोग का प्लेसमेंट हुआ है। और अगर माइनिंग का बात करें तो वही 10-15 का ही माइनिंग में ही प्लेसमेंट हुआ है, हाईएस्ट पैकेज अराउंड 5 5 टू 6 लाख का गया है। और कंपनीज तो आप देख सकते हैं ज्यादातर यहाँ पे वेदांता आता है, इंफा आता है, और सीएस ब्रांच का ले लूँ तो सीएस में इंफोसिस आता है, विप्रो आता है, ज्यादातर कंपनीज माइनिंग के ही आते हैं। और माइनिंग के हाईफाई कंपनीज इसलिए नहीं आते हैं क्योंकि हमारा जो कॉलेज है AICTC, अभी हमारे ब्रांच को AICTC का अप्रूवल मिला नहीं है, तो इसलिए जो भी कंपनीज आती है लोकल उड़ीसा के कंपनीज ही आते हैं, बाहर का इतना कोई आता नहीं है कहीं है। देन ये वाला स्लाइड मुझे उनके कॉलेज का वेबसाइट से मिला है। ये लोग फैसिलिटीज के नाम पर बोलते हैं कि स्पोर्ट्स एंड गेम्स फैसिलिटीज है भाई, कुछ नहीं है। कंप्यूटर फैसिलिटीज है, एटीएम फैसिलिटी में फर्स्ट ईयर में आया था, सोचा था कि हाँ भाई एटीएम है यहाँ पे, वहाँ पे लिखा है कि 24x7 ओपन्ड, भाई 24 सेकेंड ओपन नहीं होता, 24x7 के ओपन होगा। फिर अगर हम बात करें कैंटीन का, तो मैं पहले ही कैंटीन का बोल चुका, कैंटीन है ही नहीं यहाँ पे। जो खाना है आपको यहाँ पे मेस में ही खाना है, मतलब जो सुबह मिलता है दोपहर को मिलता है रात को उतना ही खाना है। अगर आप दूसरा कुछ खाना चाहते हो, यहाँ पे पैदल चल चल के 2 किलोमीटर जाओगे, बाहर ही खा के आना पड़ेगा। फिर अगर हम बात करें लाइब्रेरी का, तो लाइब्रेरी फैसिलिटीज है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भाई कुछ नहीं है। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी बस इसलिए है कि जो लड़की लोग का हॉस्टल जो बाहर में है उन लोग को बस आने जाने का हेल्प करता है, और ट्रांसपोर्ट कुछ नहीं है। फिर नेक्स्ट अगर हम बात करें वाईफाई फैसिलिटीज, वाईफाई नहीं है भाई, वाईफाई के चक्कर में ये लोग क्या किए हैं, 2-3 साल से वाईफाई का बिल भरे ही नहीं है, तो वाईफाई मिलेगा कहाँ से। बस ये लोग तो बूस्टर लगा दिए, मतलब आपका खुद का नेट खत्म होगा, बस वो नेट को स्पीड कर देगा बस, तो उसमें आपका ही नुकसान है, आपका ही डाटा जल्दी खत्म होगा। तो फिर अगर हम बात करें जिमनानिज्म, जिम के नाम पे बस जिम का नाम है, कुछ इक्विपमेंट्स कुछ नहीं है वहां पे। ये देख लो भाई लास्ट स्लाइड है, ये लास्ट स्लाइड में देख लो, ये उनको फुटबॉल फील्ड है जो कि देखो पानी से भर गया, घास फूस है बस, कुछ नहीं है। तो भाई ये वीडियो देख के तो आपको पता चल ही गया होगा कॉलेज का प्रोज एंड कॉन्स है क्या। ये कॉलेज में आना उन लोगों को है जो लोग की माइनिंग में इंटरेस्टेड है, या तो और एक बात बोलूँ, जो लोग बस पढ़ने के लिए आ रहे हैं उन लोग के लिए कॉलेज है, और वह कुछ नहीं है कॉलेज में। अगर आपको वोस्ट कंडीशन में कॉलेज मिल रहा है तभी कॉलेज में आओ, वरना भाई कॉलेज में आके मुझे कभी कभी ऐसा लगता है मेरा लाइफ बर्बाद हो चुका है कॉलेज में आके। तो भाई सीटी के साथ अगर मैं ये कॉलेज को कंपेयर करूँ, तो भाई ये आता ही नहीं है रैंक में, मतलब ये सीटी अगर यहाँ है तो ये भाई जमीन के अंदर ही है। तो अगर बस ये कॉलेज में आ रहे हो तो बस माइनिंग के लिए आओ, और सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल का तो भाई प्लेसमेंट ना के बराबर है, अगर 60 बच्चे हैं तो 10 बच्चों का प्लेसमेंट होगा, वो भी मतलब 10 लाख का पैकेज, मतलब शायद तुम्हारे लिए सपना होगा, मैं आज तक अभी तक सुना नहीं हूँ किसी बच्चे का 10 लाख का पैकेज लगा इस कॉलेज से। तो माइनिंग में गेट क्वालिफाई भी करते हैं यहाँ पे, 3-4 लोग हर साल गेट क्वालिफाई भी करते हैं, कुछ लोग प्लेसमेंट भी मिल जाता है।
अगर आप, मैं बोलूंगा कि अगर आप माइनिंग में इंटरेस्टेड हो तभी इस कॉलेज में आओ, और बस पढ़ने के लिए आ रहे हो तभी आओ भाई। इस कॉलेज के नाम पे मतलब कुछ नहीं है, और हॉस्टल में रह रहे हो तो यहाँ पे पानी का प्रॉब्लम होता है। पता नहीं ये अभी सीजन में तो पानी का प्रॉब्लम होगा नहीं, लेकिन समर में बहुत पानी का प्रॉब्लम होता है। और यही है यार, मतलब पैसा ही खर्चा कर रहे हैं यहाँ पे आके। तो इस वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको कोई दोस्त इस कॉलेज में पढ़ने के लिए इंटरेस्टेड है तो उसको वीडियो जरूर शेयर कीजिए। और पिछले वीडियो में सिटी कॉलेज का रिव्यू में इतना अच्छा रेस्पॉन्स देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आपका अगर कुछ डाउट है तो इंस्टाग्राम में मुझे जरूर मैसेज कीजिए, मैं मैसेज का अराउंड जल्दी जल्दी रिप्लाई देने का कोशिश करूंगा। और नेक्स्ट आपको किस कॉलेज के ऊपर वीडियो चाहिए वो मुझे कमेंट में लिखिए, ताकि मैं जल्दी जल्दी वो वीडियो ला सकूँ। और मैं अभी रेगुलर होने का भी ट्राई करूंगा। तो होप यू लाइक दिस वीडियो। बाय बाय।